हेलो एवरीवन, ये एक साल के बाद का इसका रिव्यू मैं दे रही हूँ इसका, गोल्डेयर का। ये इसका रिमोट है, इससे इसकी आवाज़ ही इससे ऑन होते हैं। और ये इसका मोड है, ये 1000 पावर है, वोल्टेज है, ओनली 2000 वोल्टेज है। और इससे इसका जो टेम्परेचर है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अभी ये 18 शो हो रहा है और अभी 28 है, 30 49, दैट मीन 50 तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इट्स टू हॉट। सो मैं नॉर्मली 26 तक ही रखती हूँ। और टाइमर है इसमें, ये हाफ एन आवर का टाइमिंग है। और ये 1 आवर है, ये 2 आवर, ना इट्स 1 आवर, ये 2 आवर एंड 4 आवर्स के लिए भी, 2 आवर्स एंड ये 4 आवर्स, ये 4 आवर्स। और उसके अलावा इसका टेम्परेचर कम करना है आपने। और ये मोड है, ये जो है 2000 वोल्टेज जो दिखा रहा है, ये मोड है, ये इसका बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है इसमें। ये 1000 वोल्टेज सही है और मैं नॉर्मली 26 जो है गुड इनफ है इस रूम के लिए। और हाफ एन आवर के लिए मैं इसको ऑन करती हूँ, टाइम ख़त्म हो गया है। अब ये जो है ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। हाफ एन आवर मैं रखती हूँ, हाफ एन आवर में मेरा रूम इतना गर्म हो जाता है कि गुड इनफ होता है ठंड को ख़त्म करने के लिए। और ये इसमें इसकी आवाज़ है, आप सुन सकते हैं, बहुत नॉइजी नहीं है, ये सही है, एज अ मीडियम। तो ये 1 ईयर से मेरे पास है, ये बिल्कुल सही कंडीशन में है, अभी तक कोई फॉल्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये रिमोट है, मैं बेड के ऊपर से अपने इसको ऑन कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, मुझे लगता है मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ये, बच्चों के लिए, बच्चों के रूम पे अंदर को रखा हुआ है हमने, बच्चे उसको टच नहीं करते हैं। और इसके नीचे मैं यहाँ पर बोर्ड रखती हूँ, बोर्ड के ऊपर रखती हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये इसको ऑफ़ किया तो ये ऑन ऑफ कर, तो ये ऑफ हो रहा है, ये थोड़ी देर के बाद ये खुद ही ऑफ हो जाएगा ऑटो। टेम्परेचर भी बताता है, रूम टेम्परेचर अभी ये 18 सेंटीग्रेड हो रहा है इधर। तो मैं नॉर्मली इस बोर्ड के ऊपर रख के इसको ऑन कर लेती हूँ आधे घंटे के लिए, एक दफ़ा ही दबाती हूँ, ऑनली 1.5 आवर बस। और ये टाइम देख लेती हूँ, 26 गुड इनफ, अच्छा है हीट के लिए बस इतना।